सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत कर रहे हैं कोलेजन पीने के साथ। और आज पता नहीं क्यों मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ, वाईफाई नहीं आता तो नेटवर्क भी नहीं आते मेरे फ़ोन में। सो बिना वाईफाई बिना नेटवर्क के कुछ कर नहीं सकते, तो मैंने सोचा चलो कोलेजन पी के डे स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तब तक शायद वाईफाई भी चल जाएगा। ये इतना मीठा है ना, क्योंकि डायबिटीज वाले को तो कॉलेज में कोई बताया भी नहीं, इतनी इतनी शुगर है उसमें। सो पी लिया है मैंने कॉलेजन, अब चलेंगे मेरे को पैसे निकालने हैं एटीएम से, तो देख के आते हैं क्या हाल चाल है यहाँ के आसपास के एटीएम्स का। वैसे तो पीछे वाली गली में ही है एटीएम, बस खुला मिल जाना चाहिए। सो लेट्स गो। ये देखो ये वायर इन्होंने काट रखे सारे, इसलिए नहीं आ रहा मेरा वाईफाई, दुखी कर दिया लोगों ने। ये देखो प्लीज वेट वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजैक्शन, प्लीज डू नॉट रिमूव योर कार्ड। तो मेरे साथ भी होता है क्या, मैं पूरे में एटीएम ढूंढते ढूंढते आई हूँ गली के एकदम कोने वाले एटीएम पे, आई हूँ बिल्कुल बाहर। ऐसा होता है मेरे साथ जब एटीएम ढूंढती हूँ एटीएम नहीं मिलता, पेटीएम ढूंढती हूँ पेटीएम नहीं मिलता। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? सो गाइस मैं ले आई हूँ आते आते फ्रूट्स, और ये मेरे को बड़े पसंद है। सारे मैं ये खाने वाली हूँ, खाने की छुट्टी रात को खाएंगे खाना। मेरे को ना कच्चे कच्चे से अमरूद बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे पके पके से होते ना वो बढ़िया नहीं लगते, अजीब से होता है। बोलना भी है, खाना भी है, वीडियो भी बनानी है, सारे काम एक साथ करना है मेरे को। देखो गाइस कुछ लोग ऐसे चमकीले से कपड़े पहन के आ जाते हैं जिम में, और फिर हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं हम हमारे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अमीरी की नकली अमीरी सही, टी शर्ट तो है। सो जिम में आने के बाद ट्रेनर का थोड़ा सा मजाक उड़ाने के बाद मैंने सोचा चलो अपनी एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। सो आज था मेरा चेस्ट डे, फटाफट से की मैंने अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज कम्प्लीट, एंड मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली वर्कआउट करते करते, और गाने सुनते सुनते मेरा वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। सो घर पे आज वाईफाई नहीं चल रहा, पता नहीं आज शाम तक भी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। सो बड़ा मूड सा ऑफ है मेरा वाईफाई के चक्कर में। सो गाइज अगर आपका मूड बहुत अच्छा है और आपके घर का वाईफाई चला जाए तो बस समझ जाओ मेरा उसी इस टाइम पे ना बिल्कुल वैसा ही मूड हो रखा है। और सुबह के 12:30 बजे गया था मेरा वाईफाई, अभी बज रहे होंगे 6 या 7, अभी तक नहीं आया भाई साहब। इतना दिमाग ख़राब है ना मेरा, मैं बता नहीं सकती। वाईफाई वाले को फ़ोन किया, कह रहा बस आ गया आधे घंटे में आ गया, जब मेरा फ़ोन किया था तब 1:30 बज रहा था, अभी 6 या 7 बज रहे हैं, अब तक नहीं आया है वाईफाई। और मुझे समझ नहीं आ रहा कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, इतना दिमाग खराब है। मैं रहती हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे नेटवर्क का एक इतना सा नेटवर्क नहीं है मेरे फ़ोन में, इतना सा नेटवर्क कुछ नहीं कर सकती। ना मैं इंस्टाग्राम चला सकती, ना व्हाट्सअप चला सकती, ना मैं वेब सीरीज देख सकती, ना मैं कुछ कर सकती। सारा काम वाम ख़त्म करके मैं बैठी हुई हूँ, और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे को बाहर घूमने जाना था, मूड मेरा इतना ख़राब है मैं जाऊँगी नहीं, मूड खराब है। मैं सड़ा सड़ा सा मुंह लेके पूरे में घूम घाम के वापस आ जाऊंगी,
ना फोटो खींचूंगी ना वीडियो अच्छे से बना पाऊंगी अपनी, उससे बेटर है कि जाओ ही मत। पता नहीं कब वाईफाई ठीक होगा। क्यों होता है ऐसे हमारे साथ, ऐसे क्यों होता है मेरे साथ? पहली बार हमारी जिम में इतनी भीड़ है और फ्री प्रोटीन भी मिल रहा है। सो गाइस अभी जिम से आया था, फोन मिल रहा था फ्री प्रोटीन फॉर ट्रायल। ये है रिच चॉकलेट, एक स्कूप है इसके अंदर। सो पहले हम ये ट्राई करेंगे और अगर अच्छा लगा तो 10% ऑफ का ये कूपन भी मिल रहा है। सो इससे करेंगे परचेज। प्रोटीन पाउडर वैसे भी मेरा ख़त्म होने वाला है। तो आज ये लगा था जिम में, मैंने देखा स्टोरी पे, मैंने कहा अच्छा कुछ लगाया हुआ, मेरे को अपडेट नहीं है। तो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा ये क्या लगा हुआ है, तो फिर पता चला कि अच्छा हेल्थ कार्ड वाले आए हैं, वो फ्री में प्रोटीन पाउडर है। मैंने कहा अच्छा फ्री की चीज़ें कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। मैं पिछले भी फटाफट से ले आई अपने लिए भी एक स्कूप फ्री वाला।